तो हेलो गाइस, आज सैटरडे है। कल जुम्मा था, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं कल की कहीं पे गया नहीं था, उसकी अम्मा के घर गया था। बस आज सैटरडे है, ये वीडियो आज सैटरडे ही पोस्ट करूंगा क्योंकि आज जो वीडियो होने वाला है ना, इसका बेस्ट, ये मेरे यूट्यूब का बेस्ट वीडियो होगा। इससे भी अच्छे अच्छे हैं, इससे भी बहुत खतरनाक वीडियो डाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में ना एक ऐसी मस्जिद जो है वो दिखाने जा रहा हूँ मैं। वो मस्जिद देखो, आप खुद बोलेंगे माशाल्लाह भाई, इतनी प्यारी मस्जिद है। क्योंकि मैं ना मेरे लाइफ में ना तीन कंट्रीज घूम चुका हूँ, एक इंडिया, एक सऊदी अरब, एक कतर। लेकिन हर जगह मैं अलग अलग मस्जिद देखा हूँ, यहाँ पे एक अलग ही मस्जिद है। आज मुझे मौका मिल रहा है यहाँ पे जाने का क्योंकि उसके पास से मुझे एक लोकेशन आया है, दो लोकेशन आए हैं। दो लोकेशन पे जाके प्लेट्स दे के आना है, वो खत्म करके मैं मस्जिद जा रहा हूँ। वो मस्जिद आपको जरूर दिखाऊंगा। मस्जिद का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगेगा आप खुद कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे, लेकिन मजा आएगा आज का वीडियो। देखते रहिए वीडियो पूरा, देखिए, और इतनी प्यारी मस्जिद है ना, लव यू। चलो मिलते हैं पटना में। कुछ कुछ ना भूल जाता हूँ। अभी चलेंगे गाड़ी में ना, सामान है जो प्लेट है ना देने के, वो है वो लेके मेरे गाड़ी में रखना है, उसके बाद में चलना है क्योंकि मुझे दो जगह पे जाना। पे यार बारिश आ गई क्या? ये देखो भैया, थोड़ी थोड़ी बारिश आ गया ना। मौसम कितना खूबसूरत है भाई, आज मौसम बहुत प्यारा है यार, बहुत अच्छी हवा आ रही है, लेकिन बारिश भी आ रहा है। गाड़ी गंदी, अब मैं प्लेट यहीं पर रखा है ये गाड़ी के ऊपर। चलो भैया एक मिनट। तो मौसम है ना वो बड़ा प्यारा है आज मौसम, वाह बिस्मिल्लाह। सुबह की पता है, ये देखो कितना बज रहा है, 9:12 हो रहा है सुबह का टाइम। तो आज की शुरुआत जो है बहुत अच्छे से होगी, आज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे ना मौसम भाई मस्त है, आज बारिश आ गया ना, पूरा गाड़ी गंदी हो गई क्योंकि हफ्ते में एक ही बार गाड़ी धो रहा था मैं, जुम्मा 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 सुबह के दिन। अभी तो मुझे ये बारिश आएगी, ऐसा आएगी तो भाई मुझे डेली धोना पड़ेगा गाड़ी। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है यार, और एक चीज पता है मुझे ना, कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल। कमेंट्स के साथ साथ में ना आपका नाम भी लिखो, कहाँ से हो आप, किधर से हो लिखो, और मुझे नाम लेके बात करने में ना अच्छा लगे, ठीक है। और साथ में आप किधर से हो वो भी लिखना है। चलिए अभी शुरुआत करेंगे आज की सुबह की। मुझे ना सऊदी की फीलिंग आ रही है। वाइफर 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 चलाएंगे वाइफर। ये भी वाइपर भी ना फट गए होंगे शायद, काम नहीं कर रहे सही से, फालतू में चला दिया मैं। क्योंकि आधा गिलास साफ हो रहा है, आधा गिलास साफ ही नहीं हो रहा है। 10 किलोमीटर आगे आया, यहाँ पे बारिश थोड़ा ज्यादा है, बारिश बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। कतर में बारिश मतर ईजी, कतर में मतर। इसके करीब आ गया मैं स्टेडियम के, अल तमीम के पास, ठीक है। बारिश माशाल्लाह इतनी खूबसूरत यार, जब बहुत सालों के बाद और कई महीनों के बाद बारिश देखते हैं ना, तो भाई उसकी फीलिंग ही अलग है। क्योंकि इनके लिए, हमारे लिए तो इंडिया में आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियोस, मैं तो बारिश में ही रहता था भाई, बारिश का बकरा बन गया था, मजा आ रहा था मुझे। यहाँ पे अभी मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा माशाल्लाह। उफ मजा आ रहा है, बारिश इज बारिश, नन्ना प्योर बारिश। इंग्लिश इज इंग्लिश, नन्ना प्योर इंग्लिश वेदर। वाव वाव, जो आंखों से देखने का नजारा है ना यहाँ पे देखो, टेम्परेचर भी ना 20 का है और बारिश छुक नहीं रही यहाँ पे कतर में। बहुत अच्छा मौसम है, मौसम
हाय सुहाना, क्या बताए तुम्हें अफसाना। वाह 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 वाह, हग दिया, बिल्कुल हग दिया शायरी में। मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा। अपन हमारे लोकेशन में, ये देखो, ये होटल को आना था मुझे, आ गए मैं होटल को। लेकिन ये प्लेट है ना, ये दो है, एक छोटा है एक बड़ा है, इसमें पता नहीं कौन सा इधर देना है कौन सा और आगे लेके जाना है। देखेंगे, पूछेंगे कौन सा प्लेट है, ठीक है। हाँ हाँ, ये देखो भैया क्या खूबसूरत मंजर है आज का, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे यहाँ पे क्या। ये देखो गाड़ी गंदी हो गई, चलेगा भाई चलेगा, क्या करें, अभी बारिश का मौसम है ना। अबे यार कौन सी प्लेट है ये। तो ये इनको प्लेट दे दिया, जो उनका बड़ा प्लेट था, और एक छोटा बाकी है, उसका लोकेशन ओपन करना है अभी। अभी दूसरे लोकेशन में चलेंगे। इसका, इस एरिया का नाम है अजीजिया। हाँ, अजीजिया में आया था मैं, और मिलेंगे नेक्स्ट लोकेशन में। उसके बाद में तीसरा जाएंगे मस्जिद, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो भैया आ गए अपन मस्जिद को, जिस मस्जिद को आपको दिखाना था मैं, आपको थोड़ा सा दूर से थोड़ा झलक दिखलाता हूँ। ये देखो भाई, धीरे धीरे सब बताऊंगा सामने जाके क्या क्या कैसा है बोल के, ठीक है। चलो, है इस मस्जिद का पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग लगा के मेरे को जाना है अभी अंदर। चलेंगे अंदर, कहाँ से जाना है सब दिखाऊंगा, कहाँ से कैसे कैसे जाना है भाई। तो भैया सूत्रों से पता चला है कि रास्ता इसका इधर है जंगल में से जाने का। ओ मेट्रो आया उधर, मेट्रो। वाह कितना खूबसूरत नजारा है भाई, बहुत खतरनाक, बहुत मजेदार। यहाँ पे पता है, ये देखो मेट्रो है, यहाँ पे मेट्रो जा रहा है, देखो ठीक है दिखाता हूँ एक मिनट। उधर एक गया है, इस देखो ये मीनारे है इसके, मस्जिद के दो मीनारे है, कितने बढ़िया भाई माशाल्लाह। ये देखो मेट्रो, ये देखो निकला मेट्रो, कैसे ज्यादा देखो मेट्रो है। ये देखो भाई, दो तीन डब्बे का है ये बस, कैसे जा रहा देखो है। यहाँ पे ना मैं एक चीज दिखाता हूँ तुमको, जो कुरान में जिक्र किया गया है ना, जो जिन पेड़ों का, दरख्तों का, वो दरख्त यहाँ पे है इस मस्जिद में, ठीक है। वाह माशाल्लाह, ये बस ना मेट्रो भाई, देखो मस्जिद को आने वालों का यहाँ से मेट्रो है, यहाँ पे ये मस्जिद है भाई माशाल्लाह। वो पेड़ दिखाऊंगा मैं तुमको, जो जिन पेड़ों का जो जिक्र किया गया है ना कुरान में, वो सब दिखाऊंगा। लेकिन ये है ना मस्जिद, ये देखो कितने पिल्लर में रुकी है पता है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच या छः पिल्लर में है ये मस्जिद पूरी। हाँ वो जो पेड़ों का जिक्र किया गया है ना, वो पेड़ इधर ही कहीं है, दिखाता हूँ मैं। इतना खूबसूरत है ना नज़ारा, अंदर चलेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। ये जो पानी है ना, ये सर्कुलेट होते रहता है, ये अंदर से आता है फिर उधर से बाहर, उधर हाउस में गिरता है फिर इधर आता है ये पानी। ये देखो यहाँ पे पिल्लरों के ऊपर कुरान के कुछ आयत लिखे हुए है, नहीं आता है, इतनी खतरनाक रब्बी, ठीक है। वो बंदा जो है ना, वो इसको पूछा मैं, पेड़ जो कहाँ पे लगे हुए है, जो इधर ही कहीं होंगे शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन मस्जिद के अंदर कैसे जाते हैं, वाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत। मैं ना मेरे लाइफ में ना, लेकिन कतर में ऐसी मस्जिद है ना माशाल्लाह। ये देखो भाई मेट्रो फिर एक आ गई वहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मस्जिद को जाएंगे अंदर। ये देखो इसके मीनारे है ये बड़े बड़े, ठीक है। खूबसूरत नजारा आया है,
आज मेरे को मौका मिला है ना मस्जिद के अंदर जाने का, मैं बहुत दिन से देख रहा था कि कैसे जाऊं बोल के, आज मुझे मौका मिला है तो आज मैं मौके का फायदा उठाऊंगा, आप लोग को हर चीज दिखाऊंगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना है मस्जिद कैसी है बोल के। वाह माशाल्लाह, देखो ये देखो भाई, यहाँ पे ना दीवारों के ऊपर भी यहाँ भी कुरान की कुछ आयत लिखी हुई है, वहाँ पे फोटोशूट हो रहा है कुछ। ये देखो इधर से देखो मीनारों का नज़ारा, ऐसे मीनारे हैं यहाँ पे मस्जिद के, ऐसा लग रहा है जैसे फ्लाइट के वो होते नहीं है साइड के पंखे ऊपर वाले, ऐसे यहाँ पे भी इस पे भी कुरान पे आयत लिखे हुए हैं और वहाँ पे भी लिखे हुए हैं बारीक बारीक अल्फाजों में। वाह ये बंदा फोटो शूट कर रहा है, पता नहीं क्या शूट कर रहा है लेकिन कर तो रहा है। खुद की तस्वीर ले रहा है, वाह ये देखो भैया वहां पे है वो बंदा, उसके फोटो शूट कर रहा है वो। ये देखो डिजाइनिंग, देखो भाई डिजाइनिंग माशाल्लाह बहुत खतरनाक डिजाइनिंग है इसका, बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनाए। अभी मस्जिद के अंदर जाएंगे धीरे धीरे, पता भाई मस्जिद के अंदर अभी अलाउड है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर जाना कैसे, अंदर अगर जाने का मौका मिल गया तो मस्जिद के अंदर भी दिखाऊंगा कि कैसा है बोल के, कहाँ से जाना पड़ेगा इसको। अबे यार है क्या रास्ता अंदर, ओ कुछ नहीं दिख रहा भाई इसमें, बंद है यार मस्जिद के रास्ते है ना बंद है। यहाँ पे है ये तो बाहर से आने वालों के लिए, यहाँ पे नहीं है अभी, कहाँ से जा सकते हैं। हाँ मेरी नसीब नहीं है भाई मस्जिद के अंदर जाने का, लेकिन मस्जिद के अंदर जाने के लिए बंद है, पता नहीं कैसे जा सकते, अजान के टाइम ही आना पड़ेगा क्या। अभी ना बोल रहे हैं कि इसके अंदर जाने के लिए अभी एक घंटा आधा घंटा रुकना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 11 बजे मस्जिद ओपन होती है, अभी अजान होने का टाइम हो रहा है तो इसीलिए मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखाना है ना मेरे को, आधा भीधा तो नहीं दिखा सकता मैं, पूरा दिखाना है ना मेरे को। तो देख लो यहाँ पे इतना खूबसूरत सजाया हुआ है ना, ये मस्जिद का नाम जो है ना वो है इस्लामिक मस्जिद नाम, इसका नाम बहुत बड़ा है, मैं पूरा सर्च करके आपको डिटेल में लिख के बताऊंगा ठीक है। थोड़ा सा मुझे अपसेट हो रहा है क्योंकि ना मुझे मस्जिद के अंदर जाना था, लेकिन मस्जिद के अंदर जाने का मुझे चांस नहीं मिला, अभी क्या करें पता है, कुछ मेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा या तो मैं, क्योंकि मैं तो हाउस ड्राइवर हूँ भाई, यहाँ पे देखो मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि इतनी देर लगा रहा है, पता नहीं किधर गया बोल के फ़ोन भी कर सकते हैं ना, चांस तो बिल्कुल नहीं मिला मुझे अंदर जाने का। अभी कितने मिनट है पता है, वैसे तो
वैसे तो अभी 10 मिनट है, मैं अभी 10 मिनट रुक सकता हूँ। 10 मिनट के अंदर अगर ओपन हो जाएगा तो अच्छी बात है, तब तक मैं बाहर का दिखाता रहता हूँ तुमको। ठीक है, बाहर क्या चीज़ है, बाहर क्या हालत है बोल के। बाहर तो भाई, बाहर तो आप लोग देख ही रहे हो, इतना खूबसूरत मंजर है ना। अभी यहाँ के वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, के पेड़ कहाँ पे है बोल के। ठीक है, अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ पे मेट्रो है ना, मेट्रो है वहाँ पे, अलाउड नहीं है हमको। वो ये देखो बिल्कुल वो मीनारे के नीचे आ गया मैं, ये देखो। ओ माशाल्लाह, ये देखो दो भी ऐसे लग रहे हैं ना। हाँ, ऐसी मस्जिद मैं भी पहली बार देख रहा हूँ भाई, आप लोग भी वीडियो में है ना, आप भी पहली बार देख रहे हो। ठीक है, अगर कतर में होते तो पहली बार ही देख रहे हैं ना। लेकिन मेरे को पेड़ कहाँ पे है वो उनका मुझे पता करना है। हाँ, वहाँ पे नहीं है, पता नहीं किधर है, दिख नहीं रहे यार मुझे। मेट्रो जा रही है, मेट्रो मेट्रो लेके क्या करो। मैं अभी एक फैसला कर लिया हूँ कि आपको मस्जिद के अंदर दिखा के ही जाऊँगा, क्योंकि पता है मैं कुछ ना कुछ बोल के वहाँ पे उड़ा लूँगा, बोलूँगा कि भाई एक दुकान बंद था, उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ा, तो खुला नहीं वापस आ गया, क्योंकि वैसे भी तो बंद ही है दुकान। तो अभी कुछ तो करेंगे। ठीक है ना, सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी है, ये देखो यहाँ का मेट्रो स्टेशन देखो भाई, कितना साफ है भाई, ये देखो स्टेशन है माशाल्लाह बहुत क्लीन है। हाँ, मेरे को ना और एक चीज़ पता है, जो पेड़ ढूंढ रहा था ना, वो पेड़ मिल गए, तो अभी बताऊंगा फाइनली मैं। माशाल्लाह यहाँ पे लिखा हुआ है, सब भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो भाई, ये है पेड़ जो जिनका कुरान में जिक्र किया गया है ना। ये एक मिनट इसको देख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे एक है, ये तो वो है बेर का, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे है भाई, कितना खूबसूरत गार्डन है, गार्डन दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये देखो कागनल्ला पार्क, वाह अबे यार पट्टे हैं वे। यहाँ पे देखो भाई, ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन ये देखो मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पढ़ना आता है, मैं पहले बता दिया हूँ तुमको। दिस चेदर आई थिंक इज दिस, आई थिंक यस व्हिच अदर या गस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फ्रॉम वी गेट प्लांटेड 20 सीड्रा। यू लुक दिस पे, हां यू लुक दिस चेदर, या दिस सीड्रा आई थिंक। वेयर आर फ्रॉम? तू नो डरिंग, ओनली कमिंग। ये बंदा डर रहा है वीडियो में आने के लिए। नो आई एम नो वॉचिंग यू। वैसे भी तो देखने वाले है नहीं मेरे वीडियो में भाई। ये पूरे पेड़ है ना, आई नो दिस अदर इज कुरान, ऑल ट्रीज फ्रॉम द कुरान। दिस इज सिद्र आल्सो, दिस इज अनार हिंदी अनार पेड़, अनार पेड़। दिस यार ये अनार में ही अलग अलग नमूने के है यार पेड़, देखो जिस स्टॉप करके ना पढ़ सकते हो आप लोग, मुझे नहीं पता। ठीक है,
अनार में ही ना अलग अलग पेड़ है, और ये बंदे को पता नहीं कौन सा पेड़ ढूंढ रहा है, ढूंढने को क्या बोलते पता नहीं इंग्लिश में। यू वॉचिंग दिस टॉक इंग्लिश? I don't know. You see which pad? You see which pad? This sajad. Yeah. You see. Yeah. This all same sajad. All sidra. Here. All same. Here. All in this place. This place. Yes. No. This side. No, I don't know. कोई ज़्यादा इंग्लिश बोल लिया भाई मैं। I don't इंग्लिश, लिटिल नॉट बिग, बिकॉज आई एम डम्मी, इंग्लिश इज डम्मी भाई। यहाँ पे ना बोल रहे इस साइड में ना जितने भी पेड़ है ना, ये सब इस पेड़ों का कुरान में जिक्र है, तो इसीलिए यहाँ पे ना इन सब पेड़ों का यहाँ पे लगाया हुआ है। ये एक पेड़ मेरे को दिखा था, वो हम लोग वो मिसवास घसते है ना, जो दांत घसते है, वो पेड़ है वहाँ पे। अच्छा ये वाला है ना। अबे यार ये नहीं है, आगे कहीं और होगा वो। ठीक है देख लो भाई, यहाँ पे गेट डाल दिया भाई। अजान हो रही है, अभी चलेंगे मस्जिद के अंदर, शायद हम लोग। हाँ पता नहीं ये कौन सा पेड़ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है यार। ये वो है क्या, नीलगिरी का? गिरगिरी का नहीं वे। वाह कितनी खूबसूरत भाई, इसमें एक मिनट हा भाई, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इसमें। आह भाई मैं तो ऐसा लग रहा है यहीं पे अतर लगाने की जो। हाँ सेम रिया स्मेल इज अतर, यू नो माशाल्लाह, यू नो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मार रहे अपन भी। हाँ जिसको भी इंग्लिश अच्छी लग रही है कमेंट करके बताने का। ओ इतना डर रहा है वीडियो में आने के लिए। नो सी। दिस गार्डन नन अ प्योर गार्डन, दिस पार्क इज पार्क नन अ प्योर पार्क, यू नो ना, यू नो नी नो नानो। हाँ देखो भाई पानी भी ना कभी कभी आवाज से ऊपर हो रहा है, कभी कभी एक मिनट बंद ही हो गया भाई, पानी आएगा कि नहीं आएगा? अजा मेरी जान, अबे बंद हो गया क्या पानी? आ रहा भाई। वाह बहुत ज़्यादा हो गया भाई आज। यहाँ पे देखो बैठ के चिल करने के लिए कैसे स्टूल लगाए हुए हैं, स्टूल। ठीक है अब क्या बताएं, अभी तो मज़ा आ रहा है आज का वीडियो बनाते बनाते। बहुत लोग आ रहे हैं बनाते। अंदर गार्डन के अंदर तो ऐसे तो है कुछ नहीं, देखो देख लो यहीं से, क्योंकि गार्डन में हमें जाना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कोई है नहीं। होते तो हम जाते गार्डन में, गार्डन में वही जाते हैं जिसके साथ कपल होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। ज़्यादा महान बनने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। मस्जिद इस मस्जिद नन अ प्योर मस्जिद। अबे देख लो मेट्रो आ तो नहीं रहा है। वाह लेकिन मुझे मेट्रो का ये देखो, मेट्रो का हड़ी पटरी इतना प्यारा लगा ना यहाँ का मुझे मंजर। माशाल्लाह एवरीवन लिखो माशाल्लाह। ठीक है अभी अंदर जाने का कोशिश करेंगे, मस्जिद के अंदर जाने का। अजान हो गई होगी शायद, वो बोल रहा है मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं। क्यों अलाउड नहीं है? अलाउड करवाएंगे अपन, क्योंकि हम आए हैं वीडियो बनाने के लिए तो हम अलाउड करवा के ही रहेंगे। हमको दिखाना है भाई, मेरे 17,000 फॉलोअर्स को दिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है
क्योंकि मैं तो 17,000 नहीं थू 1700 फॉलोअर जो है ना मेरे, उनको दिखाना पड़ेगा कि आखिर मैं करता क्या हूँ। ठीक है, लेकिन मजा आ रहा भाई जिंदगी में, मजा इस मजा ना ना प्योर मजा यार, इतनी बात करने की सब मजा ही नहीं। चलो सीधा चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद का पूरा प्लानिंग है देख भाई, ऊपर से ऐसा है ये मस्जिद। तो भैया माशाल्लाह फाइनली 11:13 बज रहा है, खुल के फिर बंद कर दिया इसने, पता नहीं क्यों यार, क्यों बंद किया यार, अबे यार बंद कर दिया इसने, खुल जाता है क्या सामने जाने से, इसने दोबारा बंद कर दिया यार। No. चप्पल यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमको चप्पल यहाँ से ममनू है ये चप्पल छोड़ने का। ठीक है, चप्पल यहाँ पे छोड़ने का। आपको अभी मस्जिद का यहाँ पे सब चप्पल छोड़ने का ही है भाई। चलो मस्जिद के तरफ लेके चलता हूँ। देखो भाई माशाल्लाह ये है मस्जिद, पूरा वाइट कलर में है ना, वाइट 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 पूरा वाइट कलर में है। जितने कैमरास लगे हुए हैं देखो, छोटे 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 लाइट लगे हुए हैं, उसमें भी कुछ कुरान की आयत लिखे हुए है। वहाँ पे जाके ना थोड़ा गोल्डन कलर का किया है माशाल्लाह, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। इमाम साहब का जो खुतबा पढ़ाने वाला है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में नमाज़ पढ़ाते हुए, नमाज का तरीका यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज वाले आते हैं ना तो उनके लिए है ये। ठीक है, और यहाँ पे माशाल्लाह ये देखो भाई इतना खूबसूरत, मैं इसीलिए रुका था भाई आपको दिखाने के लिए। इतने प्यारे प्यारे लाइट लगे हुए हैं ना छोटे छोटे, अभी इसमें तो पूरा नहीं लगे हुए हैं, इसमें कुछ छोटे छोटे थोड़े लगे हुए हैं। माशाल्लाह ये देखो भैया, लिखो माशाल्लाह बोल के बाहर का नज़ारा है ये। ठीक है, मैं ना अभी ना मेरे को ना वो सिक्योरिटी बोल रहा था कि ऑटोमेटिक है, ढकलने का नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। यहाँ देखो अभी अजान का टाइम लिखा हुआ है, जोहर असर मगरिब। मुझे नहीं पता था भाई यहाँ पे सब ऑटोमेटिक खुलता है, मुझे क्या पता, हम नॉर्मली ना हाथ से घसीटते हैं ना, तो आपने देख लिया अंदर का नज़ारा मस्जिद का, और बाहर से भी देख लो लास्ट टाइम है। तो फिर मिलेंगे आगे चल के, आज क्योंकि ड्यूटी पता नहीं कहाँ कहाँ पे लगने वाली है, तो चल के मिलेंगे। और इनका इंस्टाग्राम मैं फॉलो कर लिया हूँ, देखूंगा इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींच रहे, लेकिन मैं भी बोलूंगा कि मेरा भी एक खींच लो, मैं बोलूंगा अभी। ठीक है ब्रदर, मैं फोटो वन सी सी हाय, यू कमिंग इंशाल्लाह यूट्यूब वीडियो। तो ये अभी इनसे फोटो खींच लिए अपन, अभी चलेंगे घर, घर चल के देखेंगे क्या होता है अभी, क्योंकि तो खैर मिलेंगे। कैसी लगी ये मस्जिद आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, और मिलेंगे आगे चल के। ये देखो भैया दूर से ऐसी दिखती है मस्जिद, ठीक है, ऐसी लगती है जितनी कितनी छोटी लग रही है ना प्यारी सी, लेकिन है बड़ी अंदर खूबसूरत, बहुत बड़ी है भाई माशाल्लाह, बहुत बहुत बड़ी है। आज मेरा ये यूट्यूब चैनल में सबसे महंगा ब्लॉग है मेरा, सबसे महंगा वीडियो है मेरा है, पता नहीं इसमें कितने लोग कमेंट करते, कितने लोगों को अच्छा लगता है, देखेंगे। मैं सुबह बताया था कि इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मस्जिद का वीडियो लास्ट करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करके, आज सैटरडे है, आज ही अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको मेरे को ताजा ताजा वीडियो दिखाना है।
ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा और मस्जिद का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगे तो मैं और कोशिश करूंगा कि ऐसे वीडियो बना के आपको दिखाते रहूंगा कि ये मस्जिद जो है ये कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तलक बाय।